हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको मैक्सिकन स्टाइल बीन्स एंड कॉर्न रैप बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बीन्स एंड कॉर्न रैप बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ कुक्ड पतली गेहूं के आटे की चपातियां, जिन्हें मैंने घर में बनाया है। आप चाहें तो रेडीमेड टॉर्टियाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक कप रेड बीन्स यानी उबले हुए राजमा, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, स्वीट कॉर्न, ग्रीन बीन्स बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, टोमेटो केचप, थाउजेंड आइलैंड सॉस, रेड चिल्ली सॉस, पेपरिका। अगर आपके पास पेपरिका ना हो तो आप रेड चिल्ली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार, लहसुन की 5-6 कलियाँ जिन्हें बारीक काट लिया है, चीज़ ग्रेट कर लिया है, बटर और काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम रैप के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए हमने पैन में बटर को गर्म किया है। अब इस बटर में हम डाल देंगे लहसुन और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हमने डाला है बारीक कटा हुआ प्याज और इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज फ्राई हो गए हैं, देखिए गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, इसे थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए टमाटर भी थोड़ा सा कुक हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ग्रीन बीन्स, शिमला मिर्च, कॉर्न और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे ताकि सारी सब्जियां हल्की सी कुक हो जाएं। ये देखिए सब्जियां हल्की हल्की कुक हो गई हैं। इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये थोड़ी क्रंची ही रहनी चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए राजमा, नमक, पेपरिका, काली मिर्च पाउडर, टोमेटो केचप, रेड चिल्ली सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट हम और पकाएंगे। ये देखिए फिलिंग बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिलिंग को एक बाउल में डाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फिलिंग ठंडी हो गई है, अब हम रैप तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक चपाती और इसमें लगाएंगे हम थाउजेंड आइलैंड सॉस, और इसमें रखेंगे तैयार फिलिंग। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ बारीक प्याज, टमाटर के स्लाइस, इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया और इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़ इस तरह से, और इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा रैप तैयार है। इसी तरह से हम दूसरे रैप भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए रैप तैयार है। अब इन्हें हम टोस्टर में ग्रिल करेंगे बटर लगाकर। ग्रिल करने के लिए हमने टोस्टर को प्री हीट कर लिया है। अब हम टोस्टर में लगाएंगे थोड़ा सा बटर और इसमें रखेंगे तैयार रैप इस तरह से, और रैप के ऊपर भी लगा लेंगे हम थोड़ा सा बटर
और इसे हम ग्रिल कर लेंगे। अब हम रैप को चेक करेंगे। ये देखिए रैप बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के रैप भी तैयार कर लेंगे। तैयार रैप को मैंने सालसा और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रैप है। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।